हाय एवरीवन, वेलकम टू स्माइल्स एंड बर्ब्स। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पूछते रहते हैं कि हम समारा के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कौन सी कार सीट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्राम यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे साथ पिछले 3 सालों से है एंड विच हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ्स। वो है समारा के लिए फीडिंग चेयर। बट इसके बारे में ज़्यादा बताने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, उससे फ्यूचर में आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये जो फीडिंग चेयर है इट इज़ बाय लवलैप ब्रांड। इस फीडिंग चेयर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक 3-in-1 कन्वर्टेबल फीडिंग चेयर है। ये इनफैक्ट इसका सबसे यूनिक फीचर है क्योंकि जनरली जब हम फीडिंग चेयर लेते हैं तो उसका एक ही यूज़ होता है कि बेबी उस पर बैठ के खाना खा सकता है। बट ये जो लवलैप की 3-in-1 कन्वर्टेबल फीडिंग चेयर है, इसको आप बेबी हाई चेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप बेबी फीडिंग चेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड द सेम चेयर यू कैन ऑल्सो यूज एज अ स्टडी टेबल एंड चेयर फॉर योर बेबी। इस चेयर की कैरिंग कैपेसिटी है 25 kg, यानी कि करीब करीब जब तक बच्चा 6 से 7 साल का नहीं हो जाता तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको मंगाया था amazon.in से जब समायरा 7 months की थी। फर्स्ट पर्पज फीडिंग चेयर ही था बट इट केम एज अ सरप्राइज टू मी कि इसमें इतने सारे और फीचर्स भी हैं एंड सिंस देन ये हमारी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है। अब मैं फटाफट आपको इसके फीचर्स और इसके इस्तेमाल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आई एम शोइंग यू दिस चेयर एज अ हाई चेयर क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैंने हाई चेयर की तरह ही किया है। मैं घर का काम किया करती थी एंड उस टाइम पे बेबी जो होता है वो मामा के साथ रहना चाहता है, तो मैं इसका इस्तेमाल हाई चेयर की तरह करती थी। मैं जहाँ भी काम कर रही होती थी वहाँ पर मैं समायरा को इस पर बिठा देती थी। शी कुड सी मी फ्रॉम देयर एंड शी वुड फील कम्फर्टेड। एज अ हाई चेयर इसमें 2 हाइट एडजस्टमेंट लेवल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप बेबी की हाइट के हिसाब से एंड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये ब्राइट ग्रीन कलर में अवेलेबल है। सो समायरा यूज टू लव इट्स कलर। ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ सर्टिफाइड बाई यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। हमने जब इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो ये अनअसेंबल्ड आई थी, इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो बॉक्स में बंद करके आए थे। बट वी वर सो इम्प्रेस्ड कि ये एक इस तरह का प्रोडक्ट है जिसको आप बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही थोड़े से टाइम में असेंबल कर सकते हैं। हमें आई थिंक 5 से 10 मिनट लगे होंगे इसको असेंबल करने के लिए एंड एक्चुअली हमें तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट इसके साथ ही मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आता है। बेबीज़ के कम्फर्ट का इस प्रोडक्ट ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। आप देख सकते हैं कि इट हैज़ अ सीट कवर एंड अ बैक कवर जिससे बेबी बहुत कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कुशनी सपोर्ट है एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने इसको काफ़ी बार वॉश किया है, हैंड वॉश भी किया है, मशीन वॉश भी किया है, बट इसकी जो क्वालिटी है फैब्रिक की एंड अंदर जो भी फोम लगा हुआ है दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। तो ये अब तक वैसा का वैसा कम्फर्टेबल है। इसके ऊपर बेबी को सपोर्ट करने के लिए ये 5-point हार्नेस सिस्टम है जिसको आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली इस तरह से जस्ट विद अ क्लिक आप इसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं एंड जस्ट विद अ क्लिक ऑफ दिस बटन आप बहुत इजीली इसको खोल कर बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। तो बेबी जो है वो इस पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तरीके से बैठते हैं एंड बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको बताती हूँ इसका सेकेंड यूज़ कि हम इस चेयर का सेम चेयर का इस्तेमाल फीडिंग चेयर की तरह कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 openings हैं जिनके अंदर ये एक फीडिंग ट्रे है जो फिट हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा पुश करके इस तरह से लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद ये बेबी अपने आप नहीं खोल सकता, चाहे बेबी कितना भी पुश करे बेबी कैन नॉट ओपन इट। जो फीडिंग ट्रे है ये टोटली सेफ प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये ग्लास रखने की भी जगह है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप बच्चे को यहाँ पर खाना रख के दे सकते हैं, साथ में पीने के लिए मिल्क जूस या पानी दे सकते हैं। उससे भी अच्छी बात ये है कि इसके साथ ये आती है ये एक सिलिकॉन की लिड फीडिंग ट्रे जो बिल्कुल इसी साइज़ की है। ये बहुत ही आसानी से देखिए इसके ऊपर फिट हो जाती है एंड बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है एंड इट इज़ वेरी इजी टू वॉश।
एंड ये जो मटेरियल है ये बेबीज के लिए टोटली सेफ होता है, तो आपको किसी प्लेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके ऊपर खाना रख के बेबी को दे सकते हैं एंड बेबी इस पे से पिक करके खा सकता है। हम जनरली जहाँ पे भी बैठ के खाना खाते हैं मोस्टली डाइनिंग टेबल वगैरह पर, तो वहाँ पर हम इस चेयर को अपने साथ रख लेते हैं। समायरा इसी के ऊपर खाती है, अभी उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, तो हम बाहर भी जाते हैं तो शी आस्क फॉर अ बेबी चेयर, बेबी फीडिंग चेयर, बट उससे उसका जो फीडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड बहुत ही ज़्यादा फन हो गया है। इसी चेयर को, इसी कन्वर्टेबल चेयर को आप बेबी स्टडी टेबल एंड चेयर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये सिंपल जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको प्रेस करना है। देखिए जस्ट आपने इनको पुश किया एंड ये बटन्स जो हैं ये बाहर आ गए हैं एंड नाउ यू जस्ट हैव टू पिक दिस चेयर एंड पुट इट सेपरेटली। ठीक, इतनी छोटी सी प्यारी सी स्टडी टेबल तैयार हो गई हमारी। इसको, ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, जहाँ पे भी बेबी पढ़ रहा है, जिस भी रूम में बेबी पढ़ना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, वहाँ पर आप इसको लेके जा सकते हैं। समायरा ने इस पर बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क किया है, क्योंकि ये चेयर काफ़ी बड़ी है तो इट कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ आइटम एट द सेम टाइम, तो वो दो या तीन बुक्स रख लेती है, कई बार वो कलर करती है इसके ऊपर बैठ कर, वो एक्चुअली स्टडी टेबल का ज़्यादा इस्तेमाल खेलने के लिए करती है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसको असेंबली टॉयज से खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स रख के काफी देर खेलती रहती है, बिजी रहती है। yes, अच्छी बात है कि ये जो आप ओपन स्पेसेस देख रहे हैं जो चेयर को ऊपर फिट करने के लिए रखे गए थे, उनका भी खास ध्यान रखा गया है। क्या होता है कि ये जो ओपन स्पेसेस हैं ये बच्चों के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं, कई बार बच्चे इनके अंदर चीज़ें डाल देते हैं या अपनी फिंगर डाल देते हैं जो फंस सकती है, तो उसका भी बहुत ध्यान रखा है लवलैप ने। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह के छोटे छोटे लिड्स हैं जो ईजिली इसके ऊपर फिट हो जाते हैं, तो जब मैं इसका इस्तेमाल स्टडी टेबल की तरह करती हूँ तो ये इसके ऊपर आसानी से फिट हो जाते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कितनी इजीली ये जो डेंजरस ओपनिंग्स थी उनको मैंने क्लोज कर दिया है एंड ये जो टेबल है इट इज़ नाउ फुली सिक्योर फॉर समायरा। सेम टेबल एंड चेयर, इट इज़ अमेजिंग कि एवरी डे हम इसका इस्तेमाल हाई चेयर, फीडिंग चेयर एंड स्टडी टेबल की तरह करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू मेक दैट ट्रांजिशन। उसको एक सेकेंड में मैं उसको स्टडी टेबल बना सकती हूँ एंड ये निकालने के बाद जस्ट मुझे चेयर को ऊपर रखना है एंड इमीजिएटली ये फीडिंग चेयर एंड टेबल बन जाती है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती जब आप इसको एक के ऊपर एक रखते हैं, किसी कोने में, किसी भी कोने में ये फिट हो जाती है। देखिए टू मेक इट मोर सिक्योर, ये आप इसकी लेग्स देख सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा स्टर्डी मटेरियल की हैं एंड आप देखिए ये बेस को भी कितने अच्छे से सिक्योर किया हुआ है, तो ऐसे नहीं है कि अगर बेबी जो है वो टेबल एंड चेयर के ऊपर बैठा हुआ है तो वो इसको ईजिली पुश कर दे और ये टेबल गिर जाए एंड बच्चे को चोट लग जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का लवलैप ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। जिस तरह से टेबल जो है वो फुली सिक्योर है उसी तरह से आप चेयर भी देख सकते हैं कि चेयर की भी जो बेस है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे नहीं है कि बेबी इसके ऊपर बैठेगा एंड बेबी थोड़ा हिला डुला एंड ये लुढ़क गई, बिल्कुल नहीं है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टर्डी एंड वेरी सपोर्टिव। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी लाइफ में काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि एवरी डे हमारा इसके ऊपर 2 से 3 घंटे बिताती है, सो हम थैंक यू कहना चाहते हैं टू द ब्रांड लवलैप कि उन्होंने एक इस तरह का प्रोडक्ट बनाया जो मदर्स की लाइफ इतनी ईजी कर रहा है, हमारी लाइफ जिसने बहुत ज़्यादा सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेट कर दी है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बेबीज अभी 6 से 7 महीने के हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट जिसमें आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है एंड जो प्राइस है मैंने जस्ट अभी चेक करी, इट्स 3377 रुपीज़ विच इज़ वेरी रीजनेबल क्योंकि 5
टू 6,000 की तो जनरली फीडिंग चेयर्स आती हैं मार्केट में, तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी है एंड मल्टीपर्पज़ है. तो आई वुड सजेस्ट कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं 6 to 7 months के, जिनको फीडिंग स्टार्ट करना है या जिन्होंने बैठना स्टार्ट कर दिया है, उन पेरेंट्स को तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगले 4-5 साल ही आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है. सो मेरी तरफ से मैं इस प्रोडक्ट को 5/5 देती हूँ. अमेजोन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं. वेरी क्विक एंड ईजी डिलीवरी. आई थिंक फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं. कुछ लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगी. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट जो हमने समायरा के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं सो फार, ये मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वो इसके ऊपर स्पेंड करती है एंड सबसे ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो इसके ऊपर कर रही है. वो खेलती भी है, वो पढ़ती भी है, वो खाती भी है एंड वो इसके ऊपर बैठ कर मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करती है. तो एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है जो बहुत ही कम दाम में है. आई थिंक इट इज़ टोटली अनबिलीवेबल कि करीब करीब 3,500 से भी कम कॉस्ट में आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो मल्टीपर्पस है, जिसके 3 इस्तेमाल हैं 3 से ज़्यादा इस्तेमाल हैं. तो मैं ज़रूर सब यंग पेरेंट्स को कहूँगी जिनके छोटे बच्चे हैं 6-7 महीने के हैं, उनको ये ज़रूर लेना चाहिए. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार हमको पता नहीं होता एंड बाद में हम रियलाइज़ करते हैं वो ऐसा भी प्रोडक्ट था, हम ले सकते थे. तो प्लीज़ जो आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, आई एम श्योर उनको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी और भी यूज़फुल वीडियोस हैं जो न्यू पेरेंट्स के लिए काफ़ी काम आ सकती हैं. एंड प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.